Hello students, my name is Angad Sharma and I'll be teaching you chapter 14th and 15th till 15th commonly in this video. So this would be our last topic, last video actually for this 10th class 10th NCERT series, and after that we'll be moving on to further class 11th and 12th important topics and other important topics. So the chapter 14th is source of energy. So the chapter in itself says from the sources, or the you could say the areas from which we get energy. So let's move forward. देखिए, what is a good source of energy? ये आपको ये term याद रखनी पड़ेगी. तो देखो, सबसे पहली बात, हमें एक ideal source of energy choose करने से पहले हमें ये पता लगाना पड़ता है कि वो कितनी heat release कर रहा है, मतलब उसकी क्या calorific value है. ठीक है, does it produces a lot of smoke? अगर smoke ज़्यादा कर रहा है तो वो environment के लिए अच्छा नहीं है. इज इट इजीली अवेलेबल, मतलब अगर सब कुछ अच्छा बट वो अवेलेबल ही नहीं है तो फिर देन इट इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. देखिए, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपके मतलब कन्वेंशन से मतलब इजीली अवेलेबल हैं, जो आजकल रीति रिवाजों में मतलब ये कह सकते हो कि जो पहले से चलते आ रहे हैं और आपको वो आपको भी वो मिल गए इजीली. ठीक है, तो उसमें देखिए, फर्स्ट है फॉसिल फ्यूल. फर्स्ट फॉसिल फ्यूल सारे वो फ्यूल्स होते हैं जो आपके फॉसिल से मिलते हैं. ठीक है, इनको जब हम बर्न करते हैं तो बर्न करने से क्या निकलता है? ऑक्साइड्स निकलती हैं, कार्बन की, नाइट्रोजन की, सल्फर की. तो याद रखना आपको इस एस्पेक्ट में ये आ सकता है क्वेश्चन के अंदर. और सारी ऑक्साइड्स एसिडिक होती हैं, जिससे एसिड रेन भी होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होता है और कई सारे और फिनोमिनाज भी होते हैं जो हार्मफुल होते हैं. बाद में देखिए विंड एनर्जी. ठीक है, विंड एनर्जी क्या है? विंड एनर्जी वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जहाँ पे क्या होता है आपके पास, सॉरी, ये थर्मो इलेक्ट्रिक है. थर्मो इलेक्ट्रिक मतलब कि आप हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो. हीट आपने प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड करने से स्टीम बनी, स्टीम वो आगे टर्बाइन को घुमाएगी, टर्बाइन से डायनेमो, डायनेमो क्या करता है आपको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा. फिर हाइड्रो पावर प्लांट से भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा. आगे चलते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट पे. देखिए, इम्प्रूवमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. देखिए, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करना जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव नहीं करोगे तो धीरे धीरे करके आपका ये जो टेक्नोलॉजी हमारी है जितने भी फ्यूल से मिल रही है, या तो वो रिप्लेनिश हो जाएंगे फ्यूल्स, या फिर हम पोल्यूशन इतना क्रिएट कर देंगे कि हमारे लिए रहना मुश्किल, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा. देखिए, आगे चलते हैं. बायोगैस क्या होता है? बायोगैस इज, गांव में इसको गोबर गैस भी बोलते हैं, जो भी एनिमल डंग होता है उससे ये प्रोड्यूस कराते हैं. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम डंग को डाल देते हैं मिट्टी के अंदर, जिससे वो डिकम्पोज हो जाए. डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कुछ दिन तक चलता है. ठीक है, ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है ये प्रोड्यूस करता है गैसेज लाइक मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. इसमें से मिथेन हमारे घर में यूज होती है, जो एलपीजी सिलेंडर्स में यूज करते हैं, तो उसको हम यूज कर सकते हैं और इको फ्रेंडली है और ज़्यादा आपका पोल्यूशन भी नहीं करती है, तो इट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. देखिए, इसमें देखिए विंड एनर्जी में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपका डेनमार्क को हम कंट्री ऑफ विंड्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 25% जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी वो यहीं से प्रोड्यूस होती है. देखिए, इंडिया के अंदर जो लार्जेस्ट विंड एनर्जी का फार्म है वो कहाँ पर है? कन्याकुमारी के पास है तमिलनाडु में, और वो 380 मेगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा कि विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम कितनी विंड स्पीड चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर की चाहिए, उसके बिना नहीं चलता, मतलब विंड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी. ठीक है, ऑल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब जो कन्वेंशन में नहीं है. ठीक है, जो थोड़ा हटके हैं, जैसे देखिए फर्स्ट आपका सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी क्या करते हैं, जो सन की लाइट से हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके स्टोर करके रखना, उस एनर्जी को यूज करना आगे इलेक्ट्रिसिटी या फिर और किसी काम के लिए. देखिए, इंडिया इंडिया की जो ज्योग्राफी है, जिसको ट्रोपोग्राफी है, उसके हिसाब से इंडिया की जो पोजीशन है बहुत अच्छी है सोलर एनर्जी के लिए. इंडिया हर साल 5000 ट्रिलियन किलोवाट पर आवर एनर्जी रिसीव करता है, जब मतलब नॉर्मल कंडीशंस के अंदर. अब देखिए, इसके अलावा और क्या, इसके अलावा और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं.
सोलर कुकर उसका देखा है, सोलर कुकर में कौन सा लेंस यूज करते हैं हम, कौन सा मिरर यूज करते हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हमने पहले पढ़ रखा था, चैप्टर 10 में पढ़ा था, आपको भी बताना है कि कौन से में यूज करते हैं। देखिए एनर्जी फ्रॉम सी क्या होता है, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, जब कोई टाइड्स होते हैं, लो टाइड्स हाई टाइड्स, किसकी वजह से होते हैं वो, जो अर्थ और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब मून पास आता है अर्थ के तो हाई टाइड्स होते हैं, जब दूर जाता है तो लो टाइड्स होते हैं। तो उससे जब पानी की लहरें बनती है ऊपर नीचे, तो उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो आपकी टाइडल एनर्जी कहलाती है। ओशन थर्मल, जो ओशन के अंदर से हीट निकलती है उसके थ्रू। देखिए ओशन थर्मल में कुछ ऐसा इंपोर्टेंट है नहीं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए जो सन है वो हीट करता है ओशन वाटर को, ऊपर तो पानी गर्म होता है बट नीचे ठंडा रहता है। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ओशन के अंदर प्रेशर का डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर मूवमेंट स्टार्ट होती है। ये मूवमेंट क्या करती है, इस मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी को क्या करते हैं, जो ओशन के अंदर प्लांट्स है ना, वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो प्लांट्स है ना, ये खुद को ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेट कर सकते हैं मतलब क्या है, कि पानी के नीचे चला सकते हैं। कहाँ तक चला सकते हैं, अप टू डेप्थ ऑफ 2 किलोमीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस और मोर। जैसे इसको इतना टेम्परेचर मिलता है, ये क्या करते हैं, इस टेम्परेचर को यूज कर लेते हैं एनर्जी के सोर्स के लिए। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आपको ओशन के नीचे वाला पार्ट होता है, ये आपको गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसे ओशन थर्मल एनर्जी कहते हैं। जियो थर्मल आपको पता है, जो अर्थ की हीट से जो एनर्जी निकलती है वो जियो थर्मल है। न्यूक्लियर एनर्जी, देखो न्यूक्लियर एनर्जी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेते हैं हम। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक न्यूक्लियर फ्यूजन, एक न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है कि आपके दो पार्टिकल्स मिलके एक एक पार्टिकल की फॉर्मेशन करते हैं, सॉरी फ्यूजन में दो पार्टिकल, एक एक पार्टिकल दो पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। और फ्यूजन में दो पार्टिकल्स मिलके आपकी एक पार्टिकल की फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस इज फ्यूजन एंड फिजन। आगे थोड़ा सा इसको डीप में और पढ़ते हैं। देखिए न्यूक्लियर फिजन में हम सिर्फ वही एटम्स यूज करते हैं जिसका न्यूक्लियस हैवी हो। न्यूक्लियस हैवी मतलब जो कि आपके बड़े एटम्स हैं, जो कि आपके पीरियोडिक टेबल में जिनकी रैंकिंग बहुत नीचे है। रैंकिंग कह सकते हो या फिर पीरियोडिसिटी कह सकते हो, एटॉमिक नंबर उनका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है मतलब क्या है, इसका न्यूक्लियस हैवी होगा, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में उतने ज़्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। तो देखिए जैसे प्लूटोनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सारे आपके रेडियो एक्टिव या फिर आप कह सकते हो न्यूक्लियर फिजन के लिए सूटेबल एलिमेंट्स हैं। हम क्या करते हैं कि इनको लो एनर्जी न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड करते हैं। बम्बार्ड करते हैं मतलब क्या, लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स इसके ऊपर डालते हैं, ठीक है। तो जब ये इनके ऊपर बम्बार्डिंग होती है तो क्या होता है, ये स्प्लिट कर जाते हैं, मतलब दो टुकड़े में बट जाते हैं। एक दोनों के जो दोनों टुकड़े होते हैं, दोनों टुकड़े का जो न्यूक्लिय होता है, न्यूक्लिय मतलब न्यूक्लियस, वो लाइट हो जाता है, मतलब कि पहले तो ये हैवी होते हैं, बाद में जब स्प्लिट हो जाते हैं तो दो हल्के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये कन्वर्ट होते हैं दो अलग अलग न्यूक्लिय में, तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं, इसी प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। तो देखिए ये कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर फिजन, एक एटम का, एक यूरेनियम के एटम का 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किससे, उससे जो एक कार्बन, हम कोयला जलाते हैं ना, कोयला जला के हमें जो एनर्जी मिलेगी कोयले के कंबशन से, उसके 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। देखिए आगे चलते हैं। इसके बाद है, ये तो होगा आपका न्यूक्लियर फिजन, इसमें आइंस्टाइन का बता रखा है, कोई जरूरत नहीं इसमें आपको पढ़ने की। देखिए डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स के वो हमें दे रखी है लोकेशन, कहाँ कहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन, जो इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ पे यूज होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन जनरली आप अगर आपने सुना होगा तो जो सन के अंदर जो भी हीट प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की हेल्प से होती है। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो हाइड्रोजन के एटम्स, ठीक है, मिलकर न्यूक्लियर एक न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, ठीक है। सॉरी हीलियम बनाते हैं, एक्चुअल में हीलियम, सॉरी दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर हीलियम के फॉर्मेशन करते हैं, वो आपका न्यूक्लियर फिजन होता है, फ्यूजन।
इसके अंदर भी देखिए जो एनर्जी की एनर्जी रिलीज होती है वो भी बहुत एक्सट्रीम होती है, ठीक है, क्योंकि देखिए सन के अंदर भी ये इसी प्रोसेस से आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि सन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कौन से प्रोसेस होती है, फ्यूजन से होती है, फ्यूजन से होती है, याद रखिए सन के अंदर फ्यूजन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देखिए अब इन चीज़ों के एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी, क्योंकि जब कोई चीज़ बर्न होती है तो वो आपके एनवायरमेंट में पोल्यूशन भी क्रिएट करती है, ठीक है। आपको पता है कि हमारे जो एनवायरमेंट में रिसोर्सेज वो एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल मतलब कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाएंगे, तो हमें उनको मतलब तरीके से यूज करना चाहिए, नहीं तो वो कुछ टाइम में एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अब चैप्टर 15 पे आते हैं जो कि हम अवर एनवायरमेंट है। देखिए चैप्टर इतने इम्पोर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें सिर्फ मैं वो करा रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैं स्किप करते आ रहा हूँ। देखिए बहुत कॉमन सेंस की चीज़ें हैं कि अगर हम वेस्ट ऐड करेंगे अपने एनवायरनमेंट में तो क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट गंदा होगा, ठीक है, हमारे लिए अनहाइजेनिक प्लेस बन जाएगी, अनहाइजेनिक प्लेस होगी तो डिफरेंट डिजीज क्रिएट होंगी जो कि हमारे लिए और भी खतरनाक है। आगे चलते हैं। देखिए ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ते हैं अभी। देखिए हमारे जो इकोसिस्टम है ना, हमारी अर्थ का, उस इकोसिस्टम में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स है। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होता है, ये होते हैं जनरली एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे कि कैसे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है धीरे धीरे, वो ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर दिखाया जाता है। जो क्या होता है कि हमारे जो अर्थ है उसके अंदर जो ट्रॉफिक लेवल का बेस है वो होता है प्रोड्यूसर स्टार्ट। अब याद रखना आप कि पूरे अर्थ के अंदर एक ही प्रोड्यूसर है, वो है ग्रीन प्लांट्स, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, बाकी कोई को अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे मान लीजिए कि आपकी ग्रास थी, ग्रास ने अपना खाना खुद प्रोड्यूस किया, उसके खाने को मान लो प्राइमरी कंज्यूमर कोई डियर खा गई, ठीक है। अब इस डियर को आप सपोज कर लीजिए फॉक्स खा गया, ठीक है, और इस फॉक्स को मान लो कोई लाइन खा गया, तो ऐसे करके टर्शियरी कंज्यूमर्स तक पहुंच गया। प्राइमरी कंज्यूमर्स आपके जनरली हर्बीवर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आपके जनरली ओमनिवर्स होते हैं, ठीक है, और ये होते हैं आपके सेकेंडरी ओमनिवर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स। अब देखिए ये जो साइकिल है चेंज भी हो सकती है, यहाँ पे हो सकता है कि आपका सबसे पहले प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को खाने वाले डियर होती है। अब देखो डियर को खाने वाला लाइन हो सकता है, लाइन को खाने वाला इंसान भी हो सकता है, या फिर हो सकता था कि डियर को खाने वाला आपके जो बियर्स हो सकते हैं, ठीक है, बियर्स को खाने वाला ह्यूमन हो सकता है, तो कई सारी आप इसमें लेवल्स बना सकते हो, बट हमेशा जो टर्शरी कंज्यूमर्स होता है ना उसमें मोस्टली ह्यूमन्स ही होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना आप कि ह्यूमन्स अल्टीमेटली कंज्यूमर्स होते हैं किसी भी चीज़ के। देखिए दो चीज़ होती है, फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन मतलब कैसे फूड आगे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो देखिए यहाँ पे दे रखी, जैसे हमने भी ट्रॉफिक लेवल्स पढ़े वो भी एक फूड चेन का एग्जाम्पल था, तो ट्री को ग्रास ने खाया, ग्रास को लाइन टाइगर खा गया, ठीक है, वैसे फ्लावर को जैसे बीटल ने खाया, बीटल को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को वल्चर ने खा लिया, ठीक है, तो ऐसे करके साइकिल चलती रहती है। अब ये जब साइकिल एक दूसरे पर डिपेंड करने लगती है, मतलब काफी सारी साइकिल्स एक साथ चलने लगती है, मतलब इंटरमिक्सिंग आती है, तो ये फूड चेन को हम फूड वेब कहने लगाते हैं, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज क्या याद रखनी है कि जैसे एक लेवल से हम दूसरे लेवल की तरफ बढ़ते हैं ना, तो जो हमारी एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। जैसे देखो मान लो क्या है कि जितनी ग्रीन प्लांट्स के ऊपर सोलर एनर्जी पड़ती है, जो यूज करते हैं, वो जो कैप्चर करते हैं, उसका सिर्फ वो 1% ही कैप्चर कर पाते हैं। मान लीजिए कि अगर एक प्लांट के ऊपर 100 जूल एनर्जी पड़ी है सन की, ठीक है, तो 100 में से सिर्फ वो 1% मान ली कि 1% मतलब 1 जूल ही कैप्चर कर पाएगा, जो उसके ऊपर 100 जूल पड़ी है उसमें से बाकी नहीं कैप्चर कर पाएगा। जब इन ग्रीन प्लांट को कोई अदर हार्बीवोरस खाता है, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर हार्बीवोरस खाएगा, तो उसके पास सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी, किसकी 10%, 1% की, सन की जो टोटल एनर्जी थी उसकी 1% आई प्लांट के पास, 1 की 10% आई किसके पास, प्राइमरी हर्बीवोरस के पास, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट लेवल पे जाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर पे जाएगा, तो फिर से 10% ही जाएगी आगे, ठीक है। तो इसे सपोज कर ली सन से आई थी 100, ठीक है, तो प्लांट ने ली उसकी 1% मतलब 1 जूल, फिर 1 का 10% मतलब 0.1, ठीक है, ये गया प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास गया उसका भी 10% मतलब 0.01, ठीक है, और टर्शियरी कंज्यूमर्स के पास इसका भी 10% जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 0.001 जूल। तो अब देखिए एनर्जी आई कितनी थी और एंड तक बची कितनी, ठीक है, इसीलिए जो सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं
उसके पास एनर्जी सबसे कम रहती है। फूड वेब मैंने आपको बता ही दिया, जब एक साथ कई सारे फूड चेन्स इंटरमिक्स हो जाती हैं तो उसे हम फूड वेब कहलाते हैं, ठीक है। पर ये बड़े स्केल पे फूड चेन्स को आप कहते हैं, याद रखना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? ठीक है, जैसे हमने ट्रॉफिक लेवल्स पढ़े थे कि जो हमारा अल्टीमेट कंज्यूमर होता है वो कौन होता है, हमारा अल्टीमेट कंज्यूमर होता है ह्यूमन। जैसे आपको समझ लिए कि एक किसान था, उसने खेती करी, उसने खेती में खूब अच्छी तरह पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज किए। अब वो जो फर्टिलाइजर का जो केमिकल था वो गया प्लांट के अंदर, ठीक है, वो प्लांट के अंदर गया, प्लांट से वो फर्दर जाएगा किसमें, कोई अगर मान लीजिए उसको खाने के लिए सपोज कर लीजिए उसको उन प्लांट को कोई डियर खा गया, चलो खैर फार्म्स में डियर नहीं होते तो मैं कहूँगा कि काउ खा गई, ठीक है। अगर उसको काउ खा रही है तो उस काउ को मान लीजिए सपोज करिए टाइगर खा गया, ठीक है, उस टाइगर को सपोज कर लिए गांव में हंट करके ह्यूमंस ने खा लिया, ठीक है। तो अब एक बात बताइए आप कि जो इसमें केमिकल्स थे प्लांट के अंदर, उसको केमिकल को डियर ने खाया तो डियर में ट्रांसफर हुए, डियर से या काउ से फिर ट्रांसफर हुए टाइगर में, टाइगर से फिर वो किसमें, ह्यूमन में। तो अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है इसका? ह्यूमन। तो जो सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन होती है ना केमिकल्स की, वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? टॉप ट्रॉफिक लेवल पे या फिर ह्यूमन्स के अंदर, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं कि कैसे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसमें हमारे जो केमिकल्स से मैग्निफाई हो रहे हैं, मैग्निफाई मतलब इनका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये जो आपके केमिकल्स होते हैं ये वॉशिंग वॉशिंग वगैरह से नहीं निकलते, इसके लिए हमें या तो जो फर्टिलाइजर केमिकल्स का यूज है वो रिड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके और भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए ओजोन लेयर आपको पता है, ओजोन लेयर क्या होता है? जब आपके O2 के साथ एक और मिलता है तब वो ओजोन बनता है, मतलब O3 बनता है, ठीक है। ये नीचे ओजोन है, सॉरी O2 प्लस O3 ओजोन है, और O2 के ऊपर जब यूवी रेडिएशन पड़ती है तो जो आपका ऑक्सीजन है वो मोनोटॉमिक हो जाता है डायटोमिक से। याद आपको पता होगा यूवी रेज आपके स्किन के लिए खतरनाक होती है, स्किन कैंसर कर सकती है ह्यूमन के वुमेन्स के अंदर, ठीक है। ज्यादा इस टॉपिक के अंदर और नहीं है कुछ, देखिए टॉपिक आपका ये भी खत्म हो गया, ठीक है। देखो मैं आपको इसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर हम चैप्टर क्लोज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है CDS 1/2015 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल मतलब ऐसा एनर्जी का रिसोर्स जो आपका एक बार खत्म हो गया तो फिर से नया नहीं हो सकता। तो देखिए सोलर एनर्जी हमने पढ़ा था रिन्यूएबल है, कोल एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है, कोल एक बार खत्म हो गया फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल होते हैं। वाटर फिशरीज, ये फिशरीज तो आपका रिसोर्स नहीं है हमारे लिए, मतलब एनर्जी का नहीं है वैसे रिसोर्स है, पर वाटर भी आपका रिन्यूएबल है तो कोल आपका इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड है द टर्म बायो मैग्निफिकेशन इज रेफर्ड टू एस, देखिए बायो मैग्निफिकेशन अभी हमने पढ़ी थी, ठीक है, क्या था? एक्यूमुलेशन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ नॉन, सॉरी ये तो नहीं है, ये सही, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ नॉन नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट थ्रू फूड चेन, ठीक है, फूड चेन के थ्रू जो भी आपके नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, ठीक है, पॉल्यूटेंट मतलब फर्टिलाइजर केमिकल्स आपके अंदर आ जाना, ठीक है। तो कैसे? धीरे धीरे करके जितने हम ऊपर ट्रॉफिक लेवल तक जाते गए वैसे वैसे कैसे इनका जो लेवल था केमिकल्स का वो इंक्रीज करता गया, और इन द एंड जो टॉप ट्रॉफिक लेवल हो वो इसका हाईएस्ट कंज्यूमर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड चेन, अभी हमने फूड चेन पढ़ा था, फूड चेन क्या होता है? फर्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, एक्सचेंज ऑफ टू जेनेटिक मटेरियल, सॉरी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, पैसेज ऑफ फूड एंड दस एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर, मॉडर्न एंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइडिंग फूड आउटलेट्स। तो देखो मेरे हिसाब से इसका आंसर बहुत सिंपल, आपको पता है ऑप्शन नंबर सी होगा कि फूड कैसे, फूड और एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे में, ये आपका फूड चेन होता है। ये भी हमने रीड किया, भी पढ़ा था। फोर्थ है ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ओजोन लेयर क्यों जरूरी है? ओजोन लेयर क्या करता है? ओजोन लेयर का काम होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनको आने से रोकता है, अगर ओजोन लेयर में होल हो रहा है तो यूवी रेज का कंसंट्रेशन बढ़ने लगाता है। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, दोनों चैप्टर खत्म हो गए बेसिकली। देखिए ये सीरीज की लास्ट वीडियो थी, इसके बाद ये हम
न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैं इसको खत्म करना चाहूंगा एक मोटिवेशनल क्वेश्चन के साथ। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड। ठीक है, तो सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि आदमी आपके पास आज मतलब गाड़ी है और कोई भी मतलब एक्सपेंसिव चीज़ है उससे सक्सेस काउंट नहीं करते। सक्सेस काउंट की जाती है जिस आदमी ने रिपीटेड एफर्ट्स किए हों। ठीक है, एफर्ट्स करना और वो भी रिपीटेड। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड दिस 14th एंड 15th चैप्टर। दिस इज माई टेलीग्राम हैंडल Ankit_1001। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी। एंड बिसाइड दैट वी आर रनिंग अवर मेंटरशिप प्रोग्राम ऑन अवर चैनल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक्सेल करना चाहते हो। अच्छा, मतलब इसके बिना भी कर सकते हो, बट गाइडेंस एट राइट टाइम फ्रॉम राइट पर्सन इज ऑलवेज यू नो इज अ बून टू अ स्टूडेंट। ठीक है, अ वेरी वाइज मैन सेड दिस, तो आई एम शेयरिंग दिस कोटेशन। ठीक, करंट अफेयर मैगजीन भी हमारी आने वाली है। करंट अफेयर मैगजीन का हमने जो भी प्राइस था वो अपना उतने का उतना रखा है, 49 रुपीज ही रखा है। ठीक है, बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट है। और करंट अफेयर्स की अगर आपको क्वालिटी चेक करने की क्या क्वालिटी है, तो उसके लिए जो हमारी वीडियोस हैं आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि हमारे करंट अफेयर्स में से जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें अराउंड 70-80% क्वेश्चंस हमारी मैगजीन से आते हैं। और मैगजीन ऐसा भी नहीं हमारी कि 100-200 पेज की हो, अराउंड 20 से 25 पेजेस की होती है। तो दिस इज आवर चैनल मिशन CPFF। इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन ऑन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम यू कैन ज्वाइन। फॉर एनी क्वारी यू कैन कॉन्टेक्ट स्वप्निल सर एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर एनी क्वारी। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।